दोस्तों, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो बहुत आवश्यक है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, नहीं तो हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत कुछ भोगना पड़ सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण से छेड़छाड़ त्रासदी को न्योता देने जैसा है। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में कई लोगों की जान चली गई, लेकिन इतना सब होने के बाद क्या हम सबक लेंगे? शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए फरीदा बाईपास किनारे हरे भरे पेड़ को काटने का सिलसिला शुरू होने के बाद कई सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, लेकिन सरकार नहीं मानी। हरे भरे पेड़ विकास के नाम पर भेंट चढ़ गए। आज हम आपको उसी जगह का नज़ारा दिखा रहे हैं। बाईपास किनारे यह पेड़ ना जाने कितने सालों पुराने होंगे, लेकिन विकास के नाम पर इन्हें काट दिया गया। कटे हुए पेड़ों में से फिर से हरे भरे पत्तियां निकल आई हैं दोस्तों, जो कह रही हैं कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे लिए जीवनदायी हूँ, मैं तुम्हें ऑक्सीजन देती हूँ, कोरोना काल में तुमने देख लिया होगा, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगी। देख लीजिए, ये हरे भरे पत्तियां कहीं ना कहीं हमें कह रही हैं कि मुझे बचा लो। देख सकते हैं आप, ये पेड़ कटा हुआ है, ऐसे कई यहाँ पर पेड़ हैं, और आप देख सकते हैं इंसेक्ट में कि आपको हम वो नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरह, देखिए पेड़ कटने के बाद जो है बिल्कुल समतल जगह हो गई है। हरे भरे पेड़ यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल प्लेन मैदान बन चुका है। तो आप देख सकते हैं हरे भरे पेड़ जो हैं कटने के बाद जो हैं, आज इसके सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है कल दोस्तों, लेकिन हर साल की तरह जो है सरकारी प्रोग्राम होंगे, सामाजिक संस्थाएँ कार्यक्रम करेंगी, पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है विकास के नाम पर हर साल जो है कितने पेड़ कट जाते हैं दोस्तों। कोरोना महामारी इस समय जो है ऑक्सीजन के लिए लोग कितनी त्रासदी हो गई, लोग भटकते रहे, अपने परिवार के लोगों को उन्होंने खो दिया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाया दोस्तों। अगर हम अभी भी नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभल पाएंगे। हम आपको फरीदाबाद बाईपास रोड का ये नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर हज़ारों ऐसे पेड़ हैं जिन्हें काट दिया गया है, लेकिन उनमें अभी फिर से पत्तियाँ आने लगी हैं, हरी हरी पत्तियाँ आने लगी हैं, और जो कहीं ना कहीं हमें कह रही हैं कि मुझे बचा लो, हमें अलर्ट कर रही हैं। अब ये देखना है कि सरकार इस चीज़ से कितना सबक लेती है। आप हरे भरे पेड़ काट रहे हैं तो आपके पास, सरकार के पास क्या एजेंडा है कि कितने और पेड़ लगाएगी? हम आपको अभी और रिपोर्ट दिखाएंगे। नेशनल हाईवे जो फरीदाबाद का है, उसे डेवलपमेंट के नाम पर देखिए कितने हरे भरे पेड़ वहाँ पर काट दिए गए दोस्तों। मेट्रो लाइन बिछाई गई, हम आपको अभी नज़ारा दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे जो है फरीदाबाद के, यहाँ पर मेट्रो लाइन बिछाई गई। इस जगह दोस्तों बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे नेशनल हाईवे पर। आपको हम इनसाइड में फ़ोटो दिखा रहे हैं, पुरानी ये 2010 की फ़ोटो है दोस्तों। मेरे पास यह सेव थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 2010 में नेशनल हाईवे पर किस तरह हरे भरे पेड़ थे, लेकिन आज वहाँ पर ऐसे कोई पेड़ नहीं है। हालांकि मेट्रो को चलाने वाली DMRC और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यह घोषणा की थी कि अगर नेशनल हाईवे का काम पूरा होने के बाद और मेट्रो परियोजना का काम पूरा होने के बाद यहाँ पर कई हज़ारों की संख्या में पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन वह आज तक उस कार्य को पूरा नहीं किया गया। आप देख सकते हैं इनसेक्ट में, हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं करीब 2010 की, कि किस तरह से ग्रीन बेल्ट था यहाँ पर, कितने सुंदर पेड़ लगे हुए थे, लेकिन आज यह स्थिति है कि यहाँ पर पेड़ों के नाम पर सिर्फ विकास दिखता है दोस्तों, और कुछ नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।